दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पैसा से पैसा कमाने का बहुत जरिया है और उसी में से एक है म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड में भी आप पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं और हाल के दिनों में म्यूचुअल फंड में पैसे लगा करके पैसे कमाने वालों की संख्या देश में बढ़ी है। हालांकि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना जोखिम भरा निवेश होता है। एक बात याद रखिए, किसी भी निवेश साधन में अगर आप पैसे लगाते हैं तो उन पैसों की सुरक्षा, उससे मिलने वाले रिटर्न या उससे जुड़े नियमों में बदलाव पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड को निवेशकों के लिए आसान और फायदेमंद बनाने के इरादे से लगातार नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का मकसद है म्यूचुअल फंडों को अधिक पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल बनाना। म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है सेबी, जो नियमों में बदलाव करता है। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको बदलावों के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस एपिसोड में हम हाल के दिनों में म्यूचुअल फंड्स को लेकर के हुए कुछ बदलावों की जानकारी दे रहे हैं और उसका फायदा आप कैसे उठाएंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो म्यूचुअल फंड आपको, जैसे कि मैंने बताया कि रिस्की प्रोडक्ट है, निवेश साधन है जोखिम भरा, इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले आप खुद से फैसला लें, किसी की बातों में मत फंसे। तो जो बदलाव हुए हैं उसमें पहला है एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूटर का बंटवारा। एडवाइजरी मतलब जो सलाह देता है कि आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेहतर होगी, और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब स्कीम बेचने वाला। तो पहले दोनों एक ही थे, इस वजह से सेबी का ऐसा मानना है कि मिस सेलिंग हो रही थी म्यूचुअल फंड स्कीम की। मिस सेलिंग कहने का मतलब कि किसी स्कीम के बारे में आपको बताया कुछ जा रहा है और आपकी जरूरत कुछ है और गलत जानकारी देकर के उस स्कीम को बेच देना। तो ऐसी बहुत शिकायतें मिल रही थी सेबी को निवेशकों की तरफ से। तो इन शिकायतों को दूर करने का तरीका निकाला गया, एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूटर का बंटवारा कर दिया गया। तो सेबी ने एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर के विभाजन को लेकर लंबे समय से लंबित विवाद को खत्म कर दिया है। ऐसा करने का मुख्य मकसद छोटे निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं की गलत तरीके से बिक्री का समाधान है। नए नियम के अनुसार एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इकाई वाली कंपनी या तो वित्तीय सलाह दे सकती है या अपने ग्राहकों को उत्पाद बेच सकती है। इंडिविजुअल प्लानरों और डिस्ट्रीब्यूटर को भी इनमें से एक काम करना होगा और इसके लिए एमफी यानी AMFI के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये जो है म्यूचुअल फंड्स का एसोसिएशन है और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में भारत में उद्योग का एक मानक संगठन है। 1995 में इसका गठन किया गया था। अधिकांश म्यूचुअल फंड कंपनियां एमफी के सदस्य हैं और संगठन का उद्देश्य है नैतिक और पेशेवर मानकों में सुधार करके भारत में म्यूचुअल फंड बाजार को विकसित करना। दरअसल होता क्या है कि जब आपकी जरूरत होती है तो उन जरूरतों के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम बताना चाहिए एडवाइजर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन गलत जानकारी देते हैं। इसलिए अगर आप कहीं पर म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं तो खुद से भी रिसर्च करें, सिर्फ एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर की बातों में फंस करके किसी भी स्कीम में पैसे मत लगा लें। दूसरा है नया रिस्क ओ मीटर लेवल। आपको मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड रिस्क की प्रोडक्ट है, तो इसमें करीब 2500 स्कीम्स है, बहुत सारे प्रकार हैं। तो कौन सी स्कीम का रिस्क लेवल कितना है, ज्यादा रिस्क है, कम रिस्क है ना, मध्यम रिस्क है, तो पहले इसका डिफाइन इसको नहीं किया गया था। अब जो है नए जो बदलाव किए गए हैं उसमें म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती हैं, उनको बताना होगा कि ये स्कीम को किस लेवल में है, इसके जो है रिस्क लेवल में बांटा गया है, जैसे कि लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटरी हाई और हाई। तो रिस्क ओ मीटर पिक्टोरियल चार्ट होती है, यह म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के रिस्क को दिखाता है। तो सपोज आप कम रिस्क वाले प्रोडक्ट में पैसे लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि कम रिस्क हो उसमें आप पैसे लगाना चाहते हैं, तो आप रिस्क लेवल से पता कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम आपके लिए बिल्कुल सही होगी। कई लोग हाई रिस्क वाली स्कीम पसंद करते हैं, तो जब स्कीम में मेंशन किया हुआ रहेगा कि यह हाई रिस्क वाली है तो वहां पर जाकर के आप पैसे लगा सकते हो। तो इस तरह से रिस्क पता करना अब आसान हो गया है।
म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरी होती है, इक्विटी योजना, डेट या ऋण योजना, हाइब्रिड योजना, समाधान आधारित योजनाएं और अन्य योजनाएं। इसके अलावा हर कैटेगरी की भी अलग अलग योजनाएं होती हैं। तो सबकी जरूरतें, सबका नफा नुकसान, रिस्क लेवल अलग अलग होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले सोच लेना चाहिए कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही होगी। और सेबी ने इन स्कीमों के लेकर के भी कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि मल्टी कैप स्कीमों को लेकर के निवेश के नियम में बदलाव किए हैं। सितंबर 2020 में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था, इसके जरिए रेगुलेटर ने मल्टी कैप स्कीमों के लिए निवेश संबंधी नियम बदलने के निर्देश दिए थे। नए नियमों के अनुसार जनवरी 2021, हालांकि 2021 से मल्टी कैप स्कीमों को लार्ज, स्मॉल और मिड कैप शेयरों में कम से कम 25% निवेश करना जरूरी है। इसके चलते इन स्कीमों का इक्विटी में कुल निवेश 75% तक पहुंच जाएगा। अभी तक इनके लिए 65% तक बनाए रखना जरूरी था। इसमें मार्केट कैप को लेकर के कोई बंदी से नहीं थी। मल्टी कैप स्कीम होता है कि उसमें लार्ज कैप यानी जिनका मार्केट कैप काफी ज्यादा होता है उनको लार्ज कहते हैं, कम होता है स्मॉल कहते हैं, दोनों के बीच में होता है मिड। हालांकि इसको डिफाइन किया गया है सेबी ने अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से, लार्ज मिड और स्मॉल कैप का विभाजन किया गया। तो पहले ये नियम नहीं रहने की वजह से ज्यादातर जो निवेश किए जाते थे वो लार्ज कंपनियों में किए जाते थे, लेकिन अब जो ये नए नियम लाए हैं 25-25 तीनों में बांटना है, इससे क्या हो कि स्मॉल जो कंपनी छोटी मोटी कंपनियां हैं या फिर मिड मार्केट कैप वाली कंपनियां उसमें भी अब पैसे डाले जाएंगे। तो इस तरह से एक ये बदलाव किया गया है। चौथा बदलाव है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की शुरुआत हुई है। ये इक्विटी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका एक प्रकार है फ्लेक्सी कैप। तो मल्टी कैप स्कीमों के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव का कई बड़े फंड हाउसों ने विरोध किया। कई टॉप फंड मैनेजरों और सीईओ ने कहा कि इससे निवेशकों के लिए मल्टी कैप कैटेगरी में जोखिम बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा स्मॉल कैप शेयरों में अनिवार्य रूप से 25% निवेश था। इसे देखते हुए 6 नवंबर को सेबी ने हस्तक्षेप किया और एक नई म्यूचुअल फंड कैटेगरी की शुरुआत की। इसका नाम था फ्लेक्सी कैप फंड। यह पुरानी मल्टी कैप फंड कैटेगरी की तरह है, इसमें मार्केट कैप की बाध्यता नहीं है। साथ ही इन स्कीमों को न्यूनतम इक्विटी निवेश 65% रखना है, यानी एक ऐसी भी स्कीम है इक्विटी में जहां पर बंटवारा नहीं करना है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनियों में, वहां पर आप 65% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो ये चौथा बदला हुआ। पांचवा बदला हुआ डिविडेंड ऑप्शन का नाम बदला। आप जब म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाएंगे तो एक डिविडेंड ऑप्शन रहता है, एक ग्रोथ ऑप्शन रहता है, दोनों के अलग अलग नफा नुकसान है। तो सेबी ने डिविडेंड ऑप्शन का नाम बदल दिया है। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों से अपने डिविडेंड प्लान के नाम बदलने के लिए कहा है। इनमें मौजूदा और नई दोनों स्कीमें शामिल है। रेगुलेटर ने फंड हाउसों से निवेशकों को यह भी साफ बताने के लिए कहा है कि वे उन्हीं की पूंजी का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर देते हैं। फंड हाउस डिविडेंड ऑप्शन के तीन तरह के विकल्प देते हैं। एक है कि मौजूदा स्कीम के साथ न्यू फंड ऑफर यानी NFO के लिए इन तीनों के नाम बदले जाने, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन का नाम बदल के पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन किया जाएगा, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का नाम री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल प्लान होगा, और डिविडेंड ट्रांसफर प्लान का ट्रांसफर प्लान को ट्रांसफर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल प्लान का के नाम से जाना जाएगा। यानी ये तीन तरह के थे डिविडेंड ऑप्शन में, तो इन तीनों का नाम बदलने के लिए कहा गया है, यानी नाम अब बदल करके आएंगे। छठा है डेट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में ज्यादा पारदर्शिता। सेबी ने इस साल डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव किया ताकि निवेशकों को पोर्टफोलियो में जोखिम के स्तर को जल्दी समझने में मदद मिल सके। नए नियमों के अनुसार फंड हाउसों को एक पखवाड़े यानी 15 दिन के आधार पर पोर्टफोलियो के साथ साथ स्कीम के अंतर्निहित इंस्ट्रूमेंट की यील्ड का भी खुलासा करना होगा। नए नियम से पहले पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर मासिक आधार पर हुआ करता था, यानी जब भी आप कहीं पर पैसे लगाने जाते हैं तो पैसे लगाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप पैसे लगाने जा रहे हैं तो कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए जाएंगे, उस पैसे को लगाने का क्या क्या रिस्क है, क्या क्या जोखिम है, तो इनकी जानकारी देनी होती है म्यूचुअल फंड स्कीमों को। तो डेट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए कहा गया है म्यूचुअल फंड कंपनियों से। अब है सातवां बदलाव, NAB
कैलकुलेशन में बदलाव, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, जैसे शेयरों की कीमत होती है और हर दिन शेयरों की कीमत बदलती है, हर मिनट हर मार्केट आवर में तो हमेशा कीमत बदलती रहती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड की स्कीम की भी बाजार कीमत होती है, उसको एनएवी के नाम से जाना जाता है। तो इससे कैलकुलेशन में बदलाव लाया गया है। सेबी ने इस साल म्यूचुअल फंड में एनएवी कैलकुलेशन के नियमों को भी बदला है। नए नियमों के मुताबिक निवेशकों का पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है तक पहुंचने पर ही उन्हें दिन की खरीदी एनएवी मिलेगी, फिर भले निवेश का आकार कितना भी हो। पहले यह नियम 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने वाला था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 फरवरी 2021 कर दिया गया है। हालांकि लिक्विड और ओवरनाइट फंडों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो एनएवी म्यूचुअल फंड के स्कीम विशेष का प्रदर्शन नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी से लक्षित होता है। सरल शब्दों में एनएवी स्कीम की मलकियत वाली सिक्योरिटीज का बाजार मूल्य है। म्यूचुअल फंड्स निवेशकों से इकट्ठा हुई धनराशि को सिक्योरिटी बाजार में निवेशित करते हैं। चूंकि सिक्योरिटीज का बाजार मूल्य प्रतिदिन बदलता है, स्कीम का एनएवी भी दैनिक बदलता है, यानी हर रोज बदलता है। एक इकाई का एनएवी एक स्कीम के सिक्योरिटीज के एक दिन के बाजार मूल्य का एनएवी इकाइयों की कुल संख्या द्वारा भाग है। यह हर दिन अलग हो सकता है क्योंकि बाजार मूल्य हर दिन बदलता रहता है। और आठवां बदला हुआ इंटर स्कीम ट्रांसफर नियम सख्त। इंटर स्कीम क्या होता है? आप मान लिया कि किसी स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि उस स्कीम से हमको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे स्कीम में बदल सकते हैं, तो इसको इंटर स्कीम ट्रांसफर कहते हैं। तो ये नियम और सख्त किए गए हैं। कोविड 19 की महामारी से पैदा हुई लिक्विडिटी संकट के मद्देनजर कई फंड हाउस कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन डेट स्कीम में इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। शॉर्ट ड्यूरेशन डेट स्कीम यानी डेट जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसी का एक प्रकार है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट स्कीम। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि म्यूचुअल फंड की कई सारे स्कीम है, उसमें से एक डेट स्कीम भी है और डेट स्कीम में ही है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट स्कीम। तो इसको लेकर के शिकायत मिल रही थी सेबी को। इसके लिए वे खराब क्रेडिट को या तो बैलेंस्ड फंडों में या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन स्कीमों में ट्रांसफर कर रहे थे। इस प्रक्रिया से निवेशकों के पैसे को प्रभावित होने से बचाने के लिए सेबी ने नए नियम लाए। तो इस तरह से इंटर स्कीम ट्रांसफर के नियम सख्त किए गए हैं। 1 जनवरी 2021 से क्लोज एंडेड फंडों में इंटर स्कीम ट्रांसफर सिर्फ निवेशकों को स्कीम की यूनिटों के आवंटन के 3 दिनों के भीतर किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। क्लोज एंडेड फंड मतलब एक सर्टेन टाइम तक म्यूचुअल फंड स्कीम खुली रहेगी और आपको उस रेट पर इन्वेस्ट करना है, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो ये क्लोज एंडेड हो गया। और एक होता है ओपन एंडेड, यानी इसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं मार्केट भाव पर। तो क्लोज एंडेड फंडों को लेकर के इंटर स्कीम ट्रांसफर के नियम सख्त हुए हैं और निवेशक द्वारा पैसे लगाने के 3 दिनों के भीतर ही यूनिटों के आवंटन के 3 दिनों के भीतर ही ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकते हैं। इसके अलावा सेबी ने एक स्कीम से दूसरे स्कीम में खराब क्रेडिट के मूवमेंट का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि अगर प्रतिभूति के रिस्क लेवल के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज या अफवाह आती है तो फंड हाउस को डेट पेपर्स ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह से कई नियम बदले गए हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो इन नियमों को जानें और इसका फायदा उठाएं। तो आज इतना ही, नमस्कार।